हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में आपका स्वागत है। फाइनली जो है रियलमी ने चाइना में लॉन्च कर दिया है रियलमी X55G, जो कि हमें बहुत टाइम से लीक सुनते हुए आ रहे थे, और फाइनली आज वो दिन है जहां पर रियलमी X55G जो है लॉन्च हो चुका है। तीन यहां पे वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जो कि है 8GB 128GB, 6GB 256GB और 12GB 256GB। ये थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अटपटा सा लगा, लेकिन प्राइस वाइज बहुत शानदार है। जैसे कि 8GB 128GB 25,700 रुपए समथिंग का लॉन्च किया है, जो कि अगर चाइनीज युआन की बात करते हैं तो वो है 2499 चाइनीज युआन। बात करते हैं यहाँ पे 6GB और 256GB की, जिसका चाइनीज युआन है ऑलमोस्ट 2699, मतलब लगभग 27,500 का बैठता है। एंड इसके अलावा जो है 12GB 256GB, जिसका प्राइस रखा है 2999 चाइनीज युआन, मतलब लगभग जो है 31,000 रुपए का ही आपको फोन देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही में जो है 12GB और 256GB का मास्टर एडिशन भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि है 3099 चाइनीज युआन के साथ में। यहां पर देखो, अच्छी बात यह है प्राइस जो है काफी कंफर्टेबल है, और यही प्राइस जो है हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया में जो है लॉन्च है। अब यहां पे कंफ्यूजन यह है कि इंडिया में 4G वाला वेरिएंट लॉन्च होगा या फिर 5G वाला वेरिएंट लॉन्च होगा, या फिर जो है दोनों वेरिएंट लॉन्च होंगे, अभी तक जो है ये क्लियर नहीं है। लेकिन चाइना में जो है फाइनली 5G वेरिएंट, मतलब 25,000 रुपए से स्टार्ट होकर 31,000 रुपए तक आते हैं ये फोन। मास्टर एडिशन मतलब 32,000 रुपए का मास्टर एडिशन, जो कि यार कुछ डिफरेंट लुक देता है कुछ इस तरीके से। मतलब प्राइस वाइज सेगमेंट बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में, जो कि हम बहुत टाइम से जो है सुनते हुए आ रहे हैं, जो कि 6.67 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, जो कि होगा IPS LCD स्क्रीन के साथ में। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन आपको जो है देखने को मिलेगा। डिजाइन जो है कुछ इस तरीके से होगा, जो कि यार हमें यहाँ पे लगता है कि सैमसंग और रेडमी की जो है डिजाइन थोड़ी सी कॉपी कर ली है। बैक डिजाइन की बात करते हैं तो बैक डिजाइन जो है शाइनी लुक के साथ में शानदार आपको जो है डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जहां पर लुक वाइज ये काफी प्यारा लग रहा है ये फोन। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, मतलब परफॉर्मेंस वाइज डिस्प्ले में काफी बेटर होगा। बात करते हैं कैमरे की, तो काफी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, जो कि होगा 64 मेगापिक्सल का कैमरा, 8MP का होगा वाइड एंगल, 2MP का ऑप्टिकल जूम एंड 2MP का जो है डेप्थ कवर करने के लिए, मतलब कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ही बोल सकते हैं, 25,000-26,000 रुपए पे करने के बाद में आपको जो है एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा, यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगा IPS स्क्रीन के साथ में। बात करते हैं यहाँ पर इसके OS वर्जन की, तो यहाँ पे जो है रियलमी का UI वाला वर्जन आपको जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि रियलमी का जो है UI है वहां पे साथ में लॉन्च कर दिया है। कुछ इस तरीके का आपको जो है वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, और कुछ इस तरीके का आपको जो है यहां पर आइकन्स देखने को मिलेंगे, जो कि रियलमी ने काफी अच्छे तरीके से कस्टमाइज किए हैं। यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि रियलमी का जो UI है काफी बेटर हो सकता है। यहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं इस आइकन के दिखते हुए, जब यूज करेंगे तब हम जो है आपको अच्छे से बता पाएंगे कि ये अच्छा है या फिर जो है नहीं है। अभी तक तो हम इंडिया में जो है वेट ही कर रहे हैं। बात करते हैं इसके चिपसेट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन का 765G वाला चिपसेट आपको जो है देखने को मिलेगा, जो कि 5G वाला चिपसेट है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज में एक अच्छा देखने को मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत से आपको जो है देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं इसकी फास्ट चार्जिंग के बारे में, जो कि 30W का जो है चार्जिंग सपोर्ट करता है। हमें 50W का चार्जिंग देख चुके हैं, लेकिन 25,000-26,000 रुपये देने के बाद में आपको 30W मिल जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे 50W देना चाहिए था, जिससे कि यार हमें जो है एक्सपेक्टेशन जो है ना हमारी कम नहीं होनी, हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़नी चाहिए। मतलब 50W का हम ऑलरेडी X2 Pro के अंदर देख चुके हैं, तो यार 30W का लगता है कि यार कम है यार चार्जिंग, तो इसलिए यार यहाँ पे 30W की जगह अगर 50W होता तो शायद और अच्छी सी बात हो जाती। लेकिन आपको यहाँ पे जो है 30W का आपको जो है चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि होगा इनबॉक्स, जैसा कि हमें जो है रियलमी X2 Pro के अंदर भी इनबॉक्स में आपको 50W का चार्जर देखने को मिला था। बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी होगी यहाँ पे 4500mAh की बैटरी। परफॉर्मेंस वाइज में जब हमारे हाथ में होगा आपको जो है डिटेल में अब बता देंगे। तो बस यार ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा क्विक यहाँ पे आपको बताया है रियलमी X55G के बारे में, इंडिया में जो है जरूर लॉन्च होगा। अब ये कन्फ्यूजन है 4G होगा 5G होगा, देखना भी बाकी है। इसी के साथ में आपको रियलमी ने यहाँ पे चाइना में जो लॉन्च किए हैं, कुछ रियलमी बड्स एयर भी लॉन्च किए हैं, जो कि इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिसका प्राइस भी वही है 4,000 रुपये, मतलब चाइना में भी वही प्राइस रखा है और इंडिया में भी वही प्राइस, तो यार एक अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे कोई आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखने को नहीं मिला, मतलब ऐसा होता है कि इंडिया में प्राइस ज़्यादा मिलता है, लेकिन बड्स एयर को देखते हुए लग रहा है कि यार इंडिया का भी ध्यान रख रहा है अब रियलमी। लेकिन कलर वाइज की बात करते हैं तो वहां पे कुछ डिफरेंट कलर भी लॉन्च हुए हैं बड्स एयर के अंदर, होप यहां पर इंडिया में जो है आ जाए तो एक अच्छी बात है। साथ
अपने यहाँ पर जो है एडिशन के अंदर पावर बैंक भी लॉन्च किए हैं चाइना के अंदर, तो कुछ इस तरीके से पावर बैंक और कुछ तरीके से बर्ड्स वगैरह कुछ है देखने को मिल जाएंगे चाइना के अंदर। तो बस यार ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स साथ में, रिलेटिव साथ में, और कमेंट करके जरूर से बताना कि आपके क्या मानना है इस रियलमी X55G के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता देना। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।